भैया जी बहुत ट्राई कर रहे होते हैं और उनका वैसे भी लॉस हो चुका होता है यार। वो कह रहे हैं कि यार देखो आज लैपटॉप में तो खैर स्किन नहीं लगा पाऊंगा। फिलहाल स्किन सेंटर में आए तो थे यार, लेकिन यहाँ पर उनका जो कट करने वाला जो मशीन होता है यार, वो तो खराब हो गया जी को बताता हूँ कि इसके पीछे का जो पैनल है वो बिल्कुल चूर हो चुका है। तो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी जो टाइम हो रहा है यार, वो 5:03 हो गया है, ठीक है। और इस वक्त मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लॉग को स्टार्ट करने का मेन मोटिव क्या था ना यार, जो आसुस स्टफ जो लैपटॉप देख रहे हो यार, इसमें जो स्किन लगवाना है, क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप में स्किन नहीं चढ़वाया था जिसकी वजह से थोड़ा दाग धब्बे आ गए थे। लेकिन ये थोड़ा नया है, इसमें सोच रहा हूँ यार कि स्किन लगवा दूंगा तो दाग धब्बे से थोड़ा बचा रहेगा। दूसरी चीज़ है यार, वो ये फ़ोन है, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब ये क्रैक हो चुका है बिल्कुल बुरी तरीके से, ठीक है। ये आज पटका गया है और इसको मतलब थोड़ा सही करवाने जाना है। तो ऊपर का जो इसका टेम्पर्ड है वो टूट गया है और पीछे बैक साइड का जो ग्लास है यार वो ये टूट गया है, मतलब समझ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा न्यू की तरह रखा हुआ था यार। और मतलब इसी को फिक्स करवाने चलना है, बाकरगंज की तरफ जाएंगे क्योंकि स्किन भी लगवाना है और इसको भी फिक्स करवा लेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से बैग में फिट करते हैं, देन निकलते हैं। चलते हैं भाई, लेट्स गो। यार ये मेरी चप्पल जो है टूटी हुई है, तो इसको भी यार सोच रहा हूँ सिलवा लेने के लिए, बट अभी चल जाएगा, ठीक है। वो आऊँगा तो फिर चेक करवाऊँगा इसको। भाइयों जैसे ही मैं पटना जंक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इनफैक्ट पटना जंक्शन में ही काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी बच बचाते हुए जो है गांधी मैदान पहुँचते हैं और गांधी मैदान में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। भीग भीग करके मैं फिर बाकरगंज की गलियों में मैं पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर मैं मोबाइल सेंटर को खोजने लगता हूँ कि भाई कोई ऐसा मोबाइल सेंटर मिले कि ताकि मेरा फ़ोन ठीक कर दे, मेरे स्किन सेंटर मिले जो मेरे लैपटॉप को स्किन लगा दे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की छानबीन यहाँ पर मैं शुरू कर देता हूँ। फिर भी लेकिन यहाँ पर कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें हैं, सड़कें काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब गीली हो रखी हैं, जिसकी वजह से चलने में भी दिक्कत हो रही है यार। और चप्पल तो मेरा खैर माशाल्लाह। फिर मैं आ जाता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में और यहाँ पर आकर के भैया जी को बताता हूँ कि इसके पीछे का जो पैनल है वो बिल्कुल चूर हो चुका है, तो क्या इसका कुछ समाधान आपके पास होगा। तो भैया जी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ। ओरिजिनल का क्या पहचान है इसमें, क्योंकि आप खुद देख के पहचान लीजिए। ये तो समझ ही रहे हैं, ये थोड़ा कलर डिस्मैच है, ये थोड़ा कलर सही है, खुद देख के पहचान लीजिए, दोनों सेम है। इसका क्या प्राइस आप लगाइएगा? 700 लगा दो। 500 में नहीं हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो 500 कर दीजिएगा। नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 500 ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो आप 650 दे दीजिएगा आप। अरे नहीं नहीं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका 550 कर दीजिए, फाइनल प्राइस बता रहे हैं। चलिए 600। नहीं नहीं उतना नहीं हो पाएगा, 550 की लीजिए इसको फाइनल। फिर अभी मैं मस्जिद आ रहा हूँ यार, क्योंकि मगरिब का भी टाइम हो रखा है। तो अभी फ़िलहाल मगरिब तो वैसे कज़ा हो गई है जमात, तो अभी फ़िलहाल मगरिब पढ़ते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। अभी स्किन लगवाना बाकी रह गया मेरा। फिलहाल मस्जिद से निकल रहे हैं यार, और बच्चे लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे थे तो मज़ा आ गया, अपने पुराने दिन याद आ गए। फिर मैं निकल पड़ता हूँ स्किन सेंटर को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर स्क्रीन को लगाना था, जिसकी वजह से मैं पहुँच जाता हूँ स्किन सेंटर, यानी वही मुस्कान मोबाइल के पास पहुँचता हूँ। और जाने के बाद मैं भैया जी को कहता हूँ यार कि इसमें स्किन लग जाएगा, लेकिन भैया जी बहुत ट्राई कर रहे होते हैं और उनका वैसे भी लॉस हो चुका होता है यार। वो कह रहे हैं कि यार देखो आज लैपटॉप में तो खैर स्किन नहीं लगा पाऊंगा। फिलहाल स्किन सेंटर में आए तो थे यार, लेकिन यहाँ पर उनका जो कट करने वाला जो मशीन होता है यार, वो तो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो लैपटॉप था वो लग नहीं पाया उसके ऊपर स्किन, इसके वजह से फिलहाल लौट रहे हैं घर को, ठीक है। बस चल रहे हैं यार, अभी थोड़ा कवर वगैरह लेना है फ़ोन का। फिलहाल सारा काम करके जो है निकल रहे हैं घर की तरफ, लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, पैदल भी आए थे इधर तो थोड़ा ज़्यादा लेट हो रहा है, ठीक है। अभी निकलते हैं जल्दी से, ऑटो ऑटो पकड़ते हैं और घर के लिए फ़ौरन निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई है और काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गया हूँ यार, ठीक है। फिलहाल बस निकल रहे हैं।
तो भाई अभी फिलहाल मैं घर पर आ रहा हूँ यार, और जो है मतलब तो मुझे जो टाइम हो गया 9:10 हो गया, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है भैया। फ़ोन का मैंने कवर भी ले लिया है, ठीक है, ताकि ये बचा रहे, और ये फ्लिप कवर और फ़ोन का कुछ लुक इस तरीके के से हो गया, और मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देखते हो पीछे का जो लुक है कुछ इस तरीके का हो गया और काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, देखो, ठीक है, तो मतलब ये सही हो गया बिल्कुल। और सामने का जो टेम्पर था टूटा हुआ तो उसको भी मैंने चेंज करा है, और ये फ्लिप कवर में मैंने इसको लगा दिया है जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो, तो काफ़ी सही हो गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं कि ईशा नहीं पढ़े, तो अभी जल्दी से फ्रेश होते हैं, ईशा पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है हिसाब किताब करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो बस आई होप कि आज का जो मेरा ब्लॉग था आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसे मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।